बीजेपी का एकमात्र होना चाहिए। कोई एक काम बता दो जो पब्लिक के लिए बीजेपी ने अच्छा किया हो, खाली एक काम बता। अब एक मिनट हम खुद मिसाइल बना रहे हैं सर, आज हम खुद मिसाइल बना रहे हैं, खुद फाइटर प्लेन बना रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? बाहर करके दिखा दो, घर के अंदर कुत्ता भी शेर होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो मुमकिन है मोदी, ये तो मुमकिन है, मोदी ने करके दिखाया। ये मोदी खाने लायक भी नहीं रहेंगे अब की बार। भारत चाहे ना तो यूक्रेन का युद्ध रोक सकता है। अमेरिका ने ये बात कहा। मेरा नाम भीमराज, मैं अमेठी क्षेत्र का रहने वाला। वन मिनट सर बोल रहा, मतलब मैं अमेठी का रहने वाला। हमारे खानदान पूरा कांग्रेसी थे, जो इन्होंने आज तक कावेरी के अंदर में नहीं किया कांग्रेसियों ने, वो स्मृति ईरानी ने हारने के बाद में 5 साल में करके दिखा दिया। हमारे जब पानी बरसता था तो पानी चूता था, 3,30,000 की कॉलोनी थी। हमारे घर की बहन बेटियाँ खुलने में शौच करने जाया करती थी। स्मृति ईरानी ने वन मिनट 12,000 रुपया उन्होंने शौचालय दिया। हमारे घर की बहन बेटियाँ जंगलों में लकड़ियाँ तोड़ा करती थी जब हमारे घर में चूल्हा जलते थे। आज मोदी जी ने घर घर में सिलेंडर दिया। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी काम बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और योगी जी भी बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हम तो मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी क्यों? मोदी जी को, मोदी सही काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं, हम सुकून से रह रहे हैं। हकीकत ये है कि कांग्रेस जहां छोड़ गई थी ना, हम आज वहीं खड़े हैं। कोई विश्वास करे कोई ना करे इस बात को, समझ रहे हो ना? मेरे ख्याल से आज की डेट में कोई घर को फल नहीं ले जाता होगा। पहले बगैर फल का कोई आदमी घर नहीं जाता था। आज अपने आप से पूछो, क्या हम फल ले जाते घर में? कांग्रेस जहाँ छोड़ के गई थी देश, वहीं खड़े हैं हम। कांग्रेस जब छोड़ के गई थी ना, उससे 100 गुना से ज्यादा विकास हो चुका है। जिसकी बुद्धि खराब हो तो अपने घर पे सोए। कह रहे हैं देश पीछे गड्ढे में चला गया, बर्बाद किया, दुनिया में ताकत हो गई। प्रभु राम जी का प्रस्थान होगा भारत में, जय श्री राम हो गया, जय जय श्री राम हो गया। लेकिन लोग तो कहते हैं राम, कहते हैं मंदिर से क्या रोटी मिल जाएगी, मंदिर बनने से कहेंगे, लोग तो कहेंगे सर। रोटियों की कोई बात नहीं है, रोटी सब जगह खाते हैं, सब खाते हैं। सुनिए मेरी बात, ना तो कोई महंगाई है, ना कोई बेरोजगारी है। कहाँ महंगाई है, कहाँ बेरोजगारी है? मिसाइलें बनाए रहे, आज हम खुद फाइटर प्लेन बना रहे, कहाँ है बेरोजगारी? नहीं है, बेकार के मुद्दे हैं ये सब, प्रोपेगेंडा चल रहा है। खेतों में धान काटने के लिए लेबर नहीं मिल रहा, गाँव में क्या बेरोजगारी, उसे कहेंगे कहाँ? चलिए धान काटने के लिए लेबर नहीं है खेतों में, नौकरियां नहीं है, महंगाई बहुत सर। हजार रुपए से नीचे कहता हूँ, खेत धान काटने के लिए खेत में लेबर नहीं मिल रहे हैं। अब बोली क्या चाचा? ये पहुंचा, कोई एक काम बता दो जो आज पब्लिक के हित में अच्छा है, कोई एक काम बता दो। हम दो काम आपको बताते हैं। ठीक, दो काम बताते हैं। पहले आप सुन दो, लोग लाइन में लगते थे जी, लगते थे, आज नहीं लगना पड़ता है। घर घर शौचालय हुआ नहीं हुआ, आपके घर से कचरा उठाता नहीं, उठाने के लिए आते ही नहीं, आते हैं ना। मैं आपको 3 बता दिया, इसके अलावा धारा 370 से आप खुश है या नहीं है? अरे क्या कर लिया तुमने? अरे क्यों क्या कुछ नहीं किया? आप जमीन खरीद सकते हैं वहाँ, पहले नहीं कर लिया कांग्रेस ने, क्या कर लिया? अरे करके दिखाया, धारा 370 हटा के दिखाया। कांग्रेसियों की हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाके मुंह भी दिखा के आ जाए, वो जाते हैं उनकी मीटिंग में। पहले बैन लगा था ना बाहर के कंट्री के लिए, अब फिर बैन लग जाएगा क्या यार? केवल आपकी बात 100% गलत। मैं कह रहा है बैन मोदी पे इस बार भी, जैसे कहीं हिंदू, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मोदी खाने लायक भी नहीं रहेंगे अब की बार। अमेरिका ने बोला अगर भारत चाहे ना तो यूक्रेन का युद्ध रोक सकता है। अमेरिका ने ये बात कहा अगर यूक्रेन भारत चाहे तो यूक्रेन का युद्ध रोक सकता है। सर क्या कहेंगे? कहीं पीछे चला गए, मिसाइलें बना रहे कांग्रेस। चलो मैं मान लिया कि मोदी हिंदू कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने मुस्लिम करके क्या कर दिया 70 साल में, क्या करा? अरे दिल्ली में देख लो, क्यों नहीं किया? क्यों? ब्रिज के अलावा क्या बनाए हैं? ब्रिज के अलावा क्या? सारा सर फोड़े उनसे जा जाके जहाँ देखो ब्रिज, कितने घोटाले इसलिए तो उनके
बीजेपी का एक मात्र कौन होना चाहिए, कोई एक काम बता दो जो पब्लिक के लिए बीजेपी ने अच्छा किया हो। खाली एक काम बता, एक मिनट एक काम बता दीजिए सर को, एक काम बता दीजिए, एक मिनट इसने जोड़ा। अरे सुन तो लीजिए चाचा, सुन लो एक मिनट चाचा कह रहे हैं मोदी जी ने कोई एक काम बता दीजिए जो अच्छा किया हो, बता दीजिए। चाचा को बता रहा हूँ, अरे इनकी, अरे इनकी, अरे बता रहे हैं चाचा, सुन लीजिए। ये कह रहे सिलेंडर का 1000 रुपया हो गया, ठीक है ना, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया। अच्छा मेरे 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 को एक मिनट रुक तो जाइए, एक मिनट। चाचा कह रहे हैं मोदी जी ने एक काम बता दीजिए कोई जो अच्छा किया हो, देश गड्ढे में चला गया मोदी जी के आने। मैं भी अपनी बात कह दूं, सबसे छोड़ दीजिए। हाँ बात यह है, कोई कुछ नहीं करता है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। 1950 से लेकर के आज तक जो साइंटिस्टों ने किया है, वैज्ञानिकों ने किया है, रिसर्चों ने किया है, वो लोग इन्होंने कुछ नहीं कर पाएंगे। इनका काम खाली हल्ला मचाना है। उनको प्रश्न दीजिए जो देश के अंदर करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर। आज हमारी लड़ाई सॉफ्टवेयर पर ज़्यादा है, नॉट हार्डवेयर पर है। हम हार्डवेयर के दादी को थोड़ी दूर तक रहते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर पर जो चीज़ें हैं, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कनाडा हो, है नी, हमारा उनसे कंपटीशन है नी। अगर हम लोगों को ये नहीं को जो हमारे बच्चे खड़े हुए हैं, एक 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 अरे हम खुद मिसाइल बना रहे हैं सर, आज हम खुद मिसाइल बना रहे हैं, खुद फाइटर प्लेन बना रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? बाहर करके दिखा दो, घर के अंदर कुत्ता भी शेर होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो मुमकिन है मोदी, ये तो मुमकिन है, मोदी ने करके दिखाया। आराम से, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चाचा एक मिनट, आज करके दिखा दो, बाहर करके दिखा दो, मुसलमान को इंडिया से बाहर करके दिखा दो, मान जाएंगे। अरे कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। आप मुसलमान लोग क्यों करेंगे, हम क्यों बाहर करेंगे, हमारे भाई है वो। यही आपकी गंदी सोच है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यही है, यही आपकी गंदी सोच है कि मुसलमान हिंदू। मैं बीजेपी शहर से इतना कहना चाहता हूँ, ये आलू टमाटर, एक देखिए मेन चीज आप सुनिए, पहले एक मिनट सुन लीजिए। अरे पहले मात्र सुन, मेरी बात तो सुन। 70 साल से आपने हिंदू मुस्लिम करके वोट जीती है। जब हम सब्जी वाले के यहाँ जाते हैं, वो सब्जी वाला कभी नहीं कहता किस जात के हो, उसको जब हम सब्जी वाले के यहाँ जाते हैं, वो नहीं पूछता किस जात के हो, उसको सब्जी चाहिए चाहे जो ले जाएगा। बस में जाते हैं, हम पैसेंजर हैं। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, मरीज पूछता है किसी भी जात किसी धर्म का नहीं होता है। इस डॉक्टर का तो ब्लड लाओ, किसका ब्लड लाओगे, जो उसका ग्रुप मिलता है, उसका भाई हो चाहे दुश्मन हो, नहीं मिलेगा नहीं लेगा। तो रियलिटी यह है, इस पृथ्वी पर जो भी जन्मा हो, किसी कंट्री का हो, वह अगर काम करता है, उसका राइट हर जगह है। आज पूरे विश्व में हम क्यों फैले हुए हैं, उसका कारण है कि हमारे पास क्या नाम है। मेरा नाम भीमराज, मैं अमेठी क्षेत्र का रहने वाला, 1 मिनट सर बोल रहा, मतलब मैं अमेठी का रहने वाला, हमारे खानदान पूरा कांग्रेसी थे, जो इन्होंने आज तक कमेटी के अंदर में नहीं किया कांग्रेस भी उन्होंने, वो स्मृति ईरानी ने हारने के बाद में 5 साल में करके दिखा दिया। हमारे जब पानी बरसता था तो पानी चूता था, 3,30,000 की कॉलोनी थी, हमारे घर की बहन बेटियां खुलने में शौच करने जाया करती थी। स्मृति ईरानी ने 1 मिनट 12,000 रुपया उन्होंने शौचालय दिया, हमारे घर की बहन बेटियां जंगलों में लकड़ियां तोड़ा करती थी जब हमारे घर में चूल्हा जलते थे। आज मोदी जी ने घर घर में सिलेंडर दिया, हर हर मोदी, घर घर मोदी, किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? अरे सुनिए 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 चाचा सुनिए, अरे चाचा सुनिए, अरे सुनिए, एक मिनट सुनिए। आप कह रहे हैं कि एक काम बता दिए, नहीं तो 4-5 काम गिना दिए। भाई साहब सिर्फ मैं ये कहता हूँ ना, अगर सच में बीजेपी का फेम है, सच में बीजेपी को मानते हैं, मैं कहता हूँ ना, हमारे मोदी साहब ने कह देना चाहिए कि चुनाव आप ब्लड पेपर से होंगे, ईवीएम से नहीं होंगे। ठीक, सुनिए सुनिए, एक मिनट, आप कह रहे हैं कोई काम नहीं किया, भाई साहब कह रहे हैं काम किया, बहुत ये कह रहे हैं कोई काम नहीं किया, देश पीछे चला गया। ये सवाल जाके योगी जी से पूछिए, वो आपको जवाब देंगे। आवाज क्यों दबा, बड़ी बखान किया है, रायबरेली वाले क्यों नहीं वहाँ जाते, यहाँ टिके हुए। आप सवाल ही है, साफ सवाल ही है, एक मिनट चाचा चाचा सुन लीजिए, चाचा एक मिनट, अरे सर एक मिनट, सर एक मिनट, क्या नाम है आप? मेरा नाम मुनाफ।
जी मेरठ कैसा लगा, मोदी जी काम कैसा कर रहे हैं? मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और योगी जी? योगी जी भी बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हम तो मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी? क्यों मोदी जी को? मोदी सही काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं, हम सुकून से रह रहे हैं, बहुत बढ़िया है। पहले क्या था? अरे पहले तो बहुत गुंडागर्दी थी, समझी सरकार, अगले सरकार में भी सट्टेबाजी, धुएबाजी, दुनिया भर के धंधे ये करते, सब खत्म हुए, सब भाग गए हमारी गलियों में से, हम बड़े सुकून से रह रहे हैं, बहुत बढ़िया। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? बस अब आगे कुछ नहीं, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। जो मैंने कहा बिल्कुल सच कहा है, समझे, हमारे यहाँ से गुंडागर्दी खत्म, बड़े सुकून से रह रहे हैं, समझे। मोदी जी का क्या काम कोई पसंद आया आपको, कैसा कोई काम हो? ये मोदी जी ने मकान बनवाए गरीबों के, राशन दे रहे हैं, और क्या लो हो, अपना हिल्ला कर रहे हैं, ठीक ठाक है, बढ़िया। राहुल गांधी कहते हैं और भी हैं विपक्ष के जो भी हैं, लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, रोजगार नहीं है लोगों के पास। अरे ये सब झूठ बोलते हैं, रोजगार सही है, सही चल रहा काम, बढ़िया, हाँ बढ़िया काम चल, कोई दिक्कत नहीं कारोबार। महंगाई ज़्यादा होगी, नौकरियाँ नहीं है? अरे नौकरी तो खैर हम करते ही नहीं, हम तो बिजनेस करते हैं, हमारा सही चल रहा, सही खर्चा चल रहा, बढ़िया। उतनी आमदनी बढ़ गई, जितनी महंगाई है उतनी आमदनी बढ़ गई, पहले 100 रुपये कमाते थे, अब 300 रुपये कमा रहे हैं, 400 कमा रहे हैं, 500 कमा रहे हैं, तो क्या महंगाई होगी। मोदी योगी आपको, मोदी योगी आप काम अच्छा कर रहे हैं? हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं काम बढ़िया कर रहा है, हाँ बढ़िया। क्या कोई काम ऐसा है जो पसंद आया आपको? एक काम, सारे काम बढ़िया कर रहा है, गलत कोई भी नहीं कर रहा, मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और मैं यही कहूँगा भाई, पूरे उसने फिर ही वही बनाना चाहिए 2024 में भी। 24 में किसे देखना चाहते हैं भाई? हम तो चाह रहे हैं योगी आए, मोदी जी से, योगी जी, योगी राज आना चाहिए। योगी जी क्यों? योगी हमें बहुत पसंद है, काम उसका बहुत ज़बरदस्त है। क्या पसंद? ठीक है, ऐसा काम कहना, काम वो सारे बढ़िया करवा रहा है, ठीक है। जैसे ही वहाँ किसानों को मुआवजा, वो ये गन्ना का भुगतान टाइम पर होने लग रहा है यूपी में, ठीक है। और ये जैसे गुंडागर्दी है बिल्कुल ख़त्म कर दी, ठीक है। तो ये जो और थोड़ी बहुत रह रही है वो ख़त्म योगी जी बिल्कुल कर सके हैं, ठीक है। योगी जी आना चाहिए 2024 में, नया चेहरा है, उसको मौका मिलना चाहिए। मतलब मोदी जी को नहीं, योगी जी को 24 में? योगी जी को देखना चाह रहे हैं, ठीक है, योगी जी 2024 में।